मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक भिडियो कन्फरेन्सी माध्यम तालसारी आलोकीकरण और समुद्र तट उन्नतिकरण भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती, जहाँकि राज्य पर्यटन क्षेत्र में विपुल संभावना को उपयोग करी देश विदेश में पर्यटक मानक आकर्षित करने राज्य सरकार एक उच्चाभिलाष योजना प्रस्तुत करिसेंती। तेबे बेलाभूमि पर्यटन क्षेत्र में एक माइल खुंट भाव में पुरी कोणार्क मेराइन ड्राइव्र चंद्रभागा एवं बालेश्वर जिलार तालसारी उदयपुर बेलाभूमि भित्तिभूमिर विकास करी आंतर्जातिक पर्यटन केन्द्र भाव में विकसित करिबा पई राज्य सरकार प्रयास आरंभ करिसेंती, जहाकु नेई गत मास 13 तारिख रे श्री नवीन पट्टनायक एही दुईटी महत्वाकांक्षी योजनार रूपायन संपर्क रे एक उच्चस्तरीय बैठक रे विस्तृत आलोचना करिथिले। एपरिकि तालसारी बेलाभूमि पर्यटक माने एकाधिक दिन रहणी करी जेभली बेलाभूमिर सौंदर्य को उपभोग करि परिबे सेथिपई बेलाभूमिर 2.4 किलोमीटर अंचल को विकसित कराजिबो। एथि सहित पर्यटक मानक रहिबा पई तारका होटेल एवं बजेट होटेल मान निर्माण कराजिबो। एथि सहित बेलाभूमिर सौंदर्य को जेपरि पर्यटक माने मन भरी उपभोग करि परिबे सेथिपई पाभिलियन, वर्षा आश्रयस्थल, सिटिंग आइसलैंड्स, एम्फी थिएटर्स और रेस्टोरेंट आदि सुविधा कराजिबो। यह व्यतीत पर्यटक मानकु ओडिशार कला संस्कृति सह परिचित कराइबा पई एक आर्ट एंड क्राफ्ट प्लाजा मध्य निर्माण कराजिबो। तेणु एही सब कार्य अक्टोबर 2021 सुधा शेष करिबा पई लक्ष्य रखा जाइछि। तेणु गुरुवार दिन अपराह्न रे ओडिशार पर्यटन मंत्री ज्योतिप्रकाश पाणिग्राही चंदनेश्वर और उदयपुर तालसारी बेलाभूमि पई 7,10,00,000 टंकार आलोकीकरण करा जाइथिबा से कहिसंती। सेपटे समुद्र तट उन्नतिकरण पई 29 कोटीर भित्तिप्रस्तर स्थापन करिथिले। तांको सहित जिलापाल के सुदर्शन चक्रवर्ती, प्रकल्प निर्देशक, विधायक अनंत दास और भोगराई ब्लॉक अध्यक्ष मंजूराणी बेहरा प्रमुख उपस्थित थिले। फ्रंट डेवलपमेंट पाई माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक द्वारा वर्चुअल मोड रे आज शुभ शिलान्यास करा जाईची। एथिरे पाखापाखि 36 कोटी टंकार प्रकल्प एवं आशा करा जाउची 6 मास मध्ये रे शेष हबो। ये तालसारी पाई जो दाबी थिला माननीय मुख्यमंत्री ताकू प्रोजेक्ट को अनुमोदन देइचंती। आशा करूचु आगामी दिन रे ये तालसारी एक विश्वस्तरीय लाइक ब्लू फ्लैग बीच भली बीच रो मान्यता पाइब। दिग्दर्शन हे प्रपर बाकी जो अधिक एरिया रहा। बालेश्वर जिला बालियापालू उमाकांत नायक रिपोर्ट कोणार्क लाइव।